नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा डोकलाम पर बात कर साबित करे 56 इंच का सीना। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने नौशमा चौधरी पर खेला दांव, कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास को बनाया उम्मीदवार। भारतीय रेलवे लगा रहा है हेल्थ एटीएम, 10 मिनट में मिलेगी 16 टेस्ट की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रिपल मर्डर के बाद अब नदिया जिले में पुरोहित का मिला शव, बीजेपी ने तृणमूल पर लगाया आरोप। भारतीय रेलवे ने कैंसिल की 219 ट्रेन, कई ट्रेनों के रूट और समय सारणी में भी किया गया है बदलाव। पाकिस्तान ने अक्टूबर तक 2000 से अधिक बार किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने जवाब में मार गिराए 150 आतंकी। पश्चिम बंगाल में 4 दिन में 8 लोगों की हत्या, तृणमूल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। पश्चिम बंगाल में मारे गए अध्यापक के परिवार ने बीजेपी का दावा किया खारिज, कहा किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं था कोई संबंध। उन्नाव गैंगरेप केस में सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर से हटाया मर्डर केस, आपराधिक साजिश रचने और डराने धमकाने का बनाया आरोपी। आवारा गायों का फोटो शेयर कर दिग्विजय सिंह ने पूछे सवाल, कहा कहां है गौर रक्षक, कमलनाथ को दिया चैलेंज। बीएसएनएल और एमटीएनएल का हाल हुआ बदहाल, नहीं मिली है अगस्त और सितंबर की सैलरी, कर्मचारियों ने देशव्यापी प्रदर्शन की दी धमकी। बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिम को ओवैसी ने कहा छक्का, बीजेपी आईटी सेल प्रभारी ने शेयर किया वीडियो। राशन कार्ड बनाने के सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार, फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम। मॉब लिंचिंग पर पीएम को पत्र लिखने वाले 6 छात्रों को यूनिवर्सिटी से किया गया बाहर, आचार संहिता का दिया हवाला। जीएसटी को लेकर कारोबारियों से बोली निर्मला सीतारमण, कहा हो सकता है परेशानी लेकिन यह देश का है कानून। कीचड़ में धंसा सीएम देवेंद्र फडणवीस का चापर विमान, 2017 में भी लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ था चापर। हॉट सीट पर विराजमान हुई पैरा एथलीट दीपा मलिक और मानसी जोशी, फौलादी हौसले के महानायक अमिताभ बच्चन हुए कायल। नच बलिए शो से बाहर होने पर प्रिंस और युविका की छलकी, आंखें नहीं रोक पाए बहते आंसू। हॉरर कॉमेडी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करेंगे पूर्व गेंदबाज श्रीशांत, हंसिका मोटवानी होंगी हीरोइन। पाकिस्तान और इंग्लैंड पर अकेले भारी कैप्टन विराट, आंकड़े दे रहे हैं विराट पारियों की गवाही। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।